वेलकम बैक एसन दिस पीटी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पीटी के, के टैम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टैम्पलेट एक ही जगह कंपाइल कर दिए हैं टोटल हमारे पास फाइव ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर हमें टैंपलेट यूज करना पड़ता है फर्स्ट स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर आता है डिस्क्राइब डिस्क्राइबिंग जो रिटर लेक्चर देन राइटिंग मॉड्यूल के अंदर समराइज राइज रिटर्न टेक्स्ट एंड राइट एन एस देन लास्ट समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो लिसनिंग मॉड्यूल का पार्ट होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्स डिवीजन कैसे होती है ये जो टैम्पलेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये कितने मार्क्स जेनुअन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रियल एग्जाम के अंदर और उसके बाद वन बाय वन हम देखेंगे कि इनको कैसे टैकल करना है जस्ट टेक यू टू कंप्यूटर स्क्रीन तो टोटल हमारे पास पांच ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर हमें टैम्पलेट अप्लाई करना पड़ता है सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्क्राइब इमेज ये स्पीकिंग मॉड्यूल का पार्ट है नियर अबाउट 15 टू 20 पॉइंट्स ये ऐड करेगा आपके स्पीकिंग मॉड्यूल में इसका कंट्रीब्यूशन किसी भी और मॉड्यूल में नहीं होता स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार स्टूडेंट्स पुराने टैमलेट्स फॉलो करते हैं और उनका स्पीकिंग मॉड्यूल के जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाते हैं टैम्पलेट बहुत ज़्यादा फेल होते हैं डिस्क्राइब इमेज के जो पुराने टैमलेट्स हैं जिनमें की यूज करते हैं रिपिटेशन होती है जिनमें वर्ड्स की वो वाले टैम्पलेट्स कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि डिस्क्राइब इमेज को कैसे सॉल्व करना है ये फिफ्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट्स ऐड करेगा आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर द नेक्स्ट इज़ रिटेल लेक्चर रिटेल लेक्चर फाइव टू सेवन पॉइंट्स ऐड करेगा स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर और इतने के आसपास ही कॉन्ट्रीब्यूशन इसका फाइव टू सेवन मार्क्स का लिसनिंग मॉड्यूल के अंदर होता है स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसके बिना भी रियल एग्जाम के अंदर एटी प्लस मार्क्स ले सकते हो इजिली स्पीकिंग के अंदर लेकिन लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार स्टूडेंट सफिशियंट कॉन्टेंट ऐड नहीं करते तो उससे होता क्या example, है फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का टारगेट है लेथसे सिक्सटी फाइव और अगर वो एक या दो पॉइंट से रह गया लेट्स से उसके 63 मार्क्स आए तो ये जो टू पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ये रिटेल लेक्चर क्रिएट कर सकता है बड़े इजीली अगर आपने अच्छे से टैंपलेट को अप्लाई नहीं कर रखा सेम अगर किसी का टारगेट 79 है उसके 77 या 78 मार्क्स आए तो एक या दो जो ये मार्क्स हैं ये कॉन्टेंट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं ईजिली लिसनिंग के अंदर तो इसको ठीक से अप्लाई करना जरूरी है देन नेक्स्ट इज आर समर रिटर्न टेक्स्ट ये राइटिंग और रीडिंग दोनों मॉड्यूल्स के अंदर मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है अबाउट फाइव मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इसका राइटिंग मॉड्यूल में होता है और थ्री टू फाइव मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इसका रीडिंग मॉड्यूल के अंदर भी होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन यह आपको करना आना चाहिए देन नेक्स्ट इज राइट एसे की वेटेज फिफ्टीन पॉइंट्स की होती है यह सिर्फ राइटिंग मॉड्यूल के अंदर मार्क्स ऐड करता है और अभी बहुत सारे टैम्पलेट फेल भी हो रहे हैं ऐसे के कंटेंट की कमी की वजह से एक्चुअल में प्रॉब्लम टैंपलेट के अंदर नहीं होती स्टूडेंट जिस तरीके से टैम्पलेट को लिखते हैं उसके अंदर मेन प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ऐसे आपको लिखना है कैसे है तो ये 15 पॉइंट्स ऐड करता है राइटिंग मॉड्यूल के अंदर देन लास्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें टैम्पलेट हम यूज करते हैं दैट इज समर स्पोकन टेक्स्ट एस ये फाइव पॉइंट्स एड करेगा राइटिंग मॉड्यूल के अंदर और फाइव पॉइंट्स एड करता है ये लिस्निंग मॉड्यूल के अंदर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिसनिंग और राइटिंग दोनों के परस्पेक्टिव uh, से अब देखो जो टैंपलेट वाले क्वेश्चन हैं राइटिंग मॉड्यूल के अंदर नियर अबाउट ट्वेंटी फाइव मार्क्स एड करते हैं आप एस ए को समराइज रिटर्न को समराइज स्पोकन को ऐड कर दो तो जो टैम्पलेट वाले क्वेश्चन हैं वो राइटिंग के अंदर ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स एड करते हैं रीडिंग के अंदर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन थ्री टू फाइव मार्क्स का होता है सिर्फ समराइज रिटर्न से मार्क्स जाते हैं जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है उसके अंदर बड़े इजिली ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मार्क्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अगर आप डिस्क्राइब में जो रिटेल को कम्बाइन कर दो और जो समराइज स्पोकन होता है नियर अबाउट पॉइंट्स लिसनिंग के अंदर बेसिकली समराइज स्पोकन प्लस रिटेल लेक्चर पॉइंट्स लिसनिंग के अंदर एड होते हैं इन दोनों की हेल्प से तो ये एक रफ मार्क्स डिविजन है टेम्परेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो अभी भी रिपीट सेंटेंस रीड अलाउड राइट फ्रॉम डिक्टेशन लिसनिंग फेलअप्स या रीडिंग हो गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लेकिन जो टैंपलेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये आपको करने आने चाहिए ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे अगर आप इनको गलत अप्लाई करोगे तो आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे तो आज के इस लेक्चर में हम ये पांचों क्वेश्चन समझेंगे विल स्टार्ट विद डिस्क्राइब इमेज फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको टैंपलेट शो करता हूं डिस्क्राइब इमेज का देखो डिस्क्राइब इमेज के अंदर हमारे पास दो टैंपलेट हैं एक जो टैंपलेट है फर्स्ट इज दिस डिस्क्राइब अ ग्राफ सेकेंड इज दिस डिस्क्राइब अ पिक्चर नाउ अगर किसी स्टूडेंट को टैम्पलेट टफ लग रहा है तो आप सिर्फ ये वाला आ, ये वाला जो फर्स्ट वाला टैंपलेट है ये अवॉइड करके आप सिर्फ सेकंड वाला टैम्पलेट फॉलो कर सकते हो अगर आपको टफ लग रहा है फर्स्ट वाला क्योंकि फर्स्ट वाले के अंदर बहुत सारी लाइंस वियर्ड आपको लग सकती हैं यहाँ पे ऑन दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो स्टूडेंट जिनका टारगेट थोड़ा कम है एट से जिनका टारगेट फिफ्टी या सिक्सटी मार्क्स लेना है सिर्फ तो उन स्टूडेंट्स को ये टैम्पलेट थोड़ा सा टफ लग सकता है तो मेरा क्या सजेशन है आपको आप ये सेकेंड वाला टैंपलेट फॉलो कर लो हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आपका टारगेट 60, 50, 60 की रेंज में है या इससे कम आपका टारगेट है आप ये सेकेंड वाला टैम्पलेट फॉलो कर लो जस्ट मेक श्योर आप फ्लुएंट हो आप बीच में बोलते बोलते पॉजेज ना लो अटकना नहीं है आपको बिल्कुल भी बोलते हुए टैंपलेट कहता है द इमेज गिवस सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन द इमेज कन्वेज असेंशियल इन्फॉर्मेशन शेडिंग लाइट्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट सच एज अब ये जो डैश है यहाँ पे आपको वो की वर्ड्स फिट करने is सच एज डैश 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 एंड is इट इज क्लियर फ्रॉम द इमेज दैट डैश इज ऑन द लेफ्ट इमेज ऑन is अदर हैंड इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज लास्ट लाइन इन कंक्लूजन इट इज विजिबल दैट डैश इज of टॉप ऑफ द इमेज एंड डैश इज bottom ऑफ द इमेज तो यहाँ पे आपको की वर्ड्स पुट डाउन करने हैं मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर करके भी दिखा देता हूं एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने अब आइडियली पाई चार्ट है इसके अंदर हम वही वाला सेम टैम्पलेट फॉलो करने वाले हैं ये पिक्चर वाला और ये जो गैप है डैश मार्क्स हैं, यहां पे हम वो की या छोटा सा फ्रेज यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे मैं एक बार आपको ये टैम्पलेट बोल के दिखाता हूं बीप साउंड के साथ The image gives सम important इंफॉर्मेशन The image conveys essential information shedding lights on various aspects such as healthy eating, balanced diet, high fat sugar, occasional indulgence, and so on. It is clear from the image that teenager is on the left hand side of the image, whereas on the other hand, middle age is on the right hand side of the image. In conclusion, it is visible that healthy eating is at the top of the image and balanced diet is at the bottom of the image. Submit.

50 या 60 का है वो इजीली इस स्टैम्बर्ड को यूज कर सकता है आपको बस रिदम मेंटेन करके रखनी है फ्लो मेंटेन करके रखना है एंड दिस स्टैंड विल वर्क फॉर यू मैं एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे आपको करके दिखाता हूँ कोई एक डिफरेंट सा टॉपिक लेते हैं लेट्स से कोई पिक्चर है हमारे पास जिसमें कुछ भी गिवन नहीं है फॉर एग्जाम्पल या लेट्स से ये एक पिक्चर है ऐसे केसेस में मेरा सजेशन क्या होता है आपको आपके पास नोट पैड होगी रियल एग्जाम के अंदर मार्कर होगा आप पेन पेपर उठाओ आप पहले नोट्स बनाओ नोट्स के अंदर आपको ज्यादा कीवर्ड्स नहीं लिखने सिर्फ फोर टू फाइव की आर मोर देन अनफ मैं एक बार रीडू करता हूं हम क्या क्या की वर्ड यहां पर लिख सकते हैं यहां पे आप लिख सकते हैं मॉम चाइल्ड और वी कैन से मदर चाइल्ड देन वी कैन टेबल देन देर इज फूड एंड नोटबुक एज वेल एंड अ पेन राइट तो ये की वर्ड्स एनफ है इतने से सिर्फ आप इतने से की वर्ड लिख लो जैसे ही बीप साउंड आती है आपको बोलना स्टार्ट करना है मेक श्योर sure करो कि टैबलेट आपको अच्छे से लर्न हो मैं एक बार रीडू करता हूं एक बार मैं आपको दोबारा से ये बोल के दिखाता हूँ मॉम चाइल्ड या मदर चाइल्ड टेबल एंड देन देर इज फूड नोटबुक एंड पेन ये सिक्स कीवर्ड्स हमने नोट डाउन किया है The image gives some important information. The image conveys essential information shedding lights on various aspects such as mother, child, table, food, and so on. It is clear from the image that the food is on the left hand side of the image, whereas on the other hand, the pan is on the right hand side of the image. In conclusion, it is visible that the child is at the top of the image and the mother is at the bottom of the image. Stop. कौन सी चीज लेफ्ट में है कौन सी चीज राइट में है वो मैंडेटरी नहीं है कि वो चीज लेफ्ट में या राइट में हो जैसे मैंने बोला कि चाइल्ड इज एट ए टॉप अब यहाँ पे चाइल्ड टॉप पे नहीं है एक्चुअल में बस आपको रिदम मेंटेन करनी है कुछ चीजों को लेफ्ट में भेज दो कुछ की वर्ड राइट में यूज कर लो नाउ क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन द इमेज गिवस सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन द इमेज कन्वेजेंशल इन्फॉर्मेशन शेडिंग लाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट सच एज मदर चाइल्ड टेबल फूड एंड सो ऑन इट इज क्लियर फ्रॉम द इमेजी पॉज ले लिया था मे बीट वाइज ने फ्लुएंसी के अंदर लेकिन इट विल वर्क इन द रियल एग्जाम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया था फ्लुएंटली बोलोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको फ्लुएंसी में अंदर भी कंटेंट ऐसे क्वेश्चंस में काफी कम होता है जैसे ये पिक्चर थी कंटेंट इनके अंदर काफी कम होता है तो आपको फ्लुएंसी और प्रोनाशन अच्छा बना के रखना पड़ता है फ्लो के अंदर बोलो प्रोनाउंसिएशन अपनी क्लियर रखो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर फर्स्ट टैंपलेट ऑफ डिस्क्राइब इमेज फॉर दोज पीपल जिनका टारगेट सिक्सटी या उससे कम का है वो इस टैंपलेट अकेले इस टैंपलेट को यूज कर सकते हैं डी के लिए नाउ जो स्टूडेंट थोड़ा हायर बैंड स्कोर टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कंटेंट के भी मार्क्स चाहिए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स उनको चाहिए 65 प्लस या 79 प्लस का वो एम कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आपकी कैपेसिटी इतनी होगी बिकॉज आपकी रीडिंग भी उतने लेवल तक की डेवलप हो चुकी होगी आप ये टैम्पलेट अच्छे से लर्न कर सकते हो सिंपल सा टैंपलेट है हमें क्या बोलना है हमें मैंशन करना है द टाइटल ऑफ द इमेज वहां पर हम टाइटल मेंशन करेंगे जो भी हेडिंग हमें गिवन होगी है, है, कहा से कहा कहां से कहा तक लाइन नंबर फाइव हम तब यूज करेंगे अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस गिवन नहीं है जैसे पाईचार्ट होता है अब पाईचार्ट के अंदर एक्स और वाई एक्स एस गिवन नहीं होता तो उसके इसमें हम क्या बोलेंगे आइंसी सेवरल कैटेगरीज विच आर डैश डैश एंड डैश दी हाइएस्ट एलिमेंट एक एलिमेंट को हाइएस्ट बोले उसका कलर मेंशन करना है द लोएस्ट एलिमेंट इज एक एलिमेंट लोवेस्ट होगा उसकी फिगर कितनी है और उसका कलर मेंशन करना है द फिगर ऑफ यहाँ पे कोई भी एक रैंडम एलिमेंट हम मैंशन कर सकते हैं द फिगर ऑफ टेलीविजन इज फोर्टी विच इज शोन बाय ब्लू कलर ओवरऑल द पिक्चर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट यहाँ पे लास्ट में हमें फिर से टाइटल करना है एक बार मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही हम लेते हैं जो हमने दूसरे वाले टैप्लेट से किया था इसके अंदर ये सेम टैब्लेट हम अप्लाई करेंगे यहां पे एक्स और वाई एक्सिस कोई भी नहीं है तो हमें लाइन नंबर फाइव यूज करनी पड़ेगी हम भी टोन के साथ स्टार्ट करेंगे टीनेजर्स गिवन ईटिंग कलर्स कलर ब्लू कलर रेड कलर एंड ग्रीन कलर टाइटल है टीनेजर्स को टाइटल बना सकते हैं द टाइटल ऑफ द इमेज इज टीजर्स इट इज अ पाई चार्ट I can see several categories which are healthy eating, balanced diet, high fat and sugar, occasional indulgence, and so on. The highest element is healthy eating, which is 40%, it is represented by green color. The lowest element is balanced diet, which is 10%, it is shown by brown color. The figure of occasional indulgence is 35%, it is represented by blue color. Overall, the picture gives information about the teenagers. Stop and submit. Same flow, you have to maintain. Karke

गेट फुल पॉइंट इन रियल एग्जाम एज वेल और इन प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं कभी कभी क्या होता है अगर आपको मार्क्स यहाँ पे नहीं मिल रहे प्रॉब्लम आपके माइक में हो सकती है आपके बोलने के तरीके में हो सकती है तो कई बार जैसे ये जो एप्लीकेशन है ये काफी माइक सेंसिटिव है अगर माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है आपके तो ये आपको मार्क्स नहीं देता तो मेक श्योर sure करना जो भी माइक आप यूज कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का यूज करो सो दिस इज आर सेकेंड टैम्पलेट आई रिकमेंड यूजिंग दिस टैम्पलेट फॉर स्टूडेंट हु 65 प्लस एंड 79 प्लस हाई स्कोर के लिए आप ये वाला टैंपलेट यूज कर सकते हो ये फेल नहीं होगा बिल्कुल भी बिकॉज इस टैंपलेट के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं जो पीटी जेनुअनली आपसे चाहता है पीटी आपसे चाहता है कि आप इस पिक्चर को पूरा तरह ग्राफ को पूरी तरह डिस्क्राइब कर दो तो हमने सेम चीज यहां पे किया है इस पिक्चर का या इस ग्राफ का जो भी जेनुअन एक्सप्लेनेशन होगा ना उसके अंदर भी तो यही चीजें मेंशन होंगी कि कौन सा ग्राफ है इसका टाइटल क्या है हाईएस्ट पॉइंट क्या है लोवेस्ट पॉइंट क्या है कौन सा कलर है ये सारी चीजें हमने यहां पे कवर कर रखी है तो इट इज जस्ट लाइक द रियल एक्सप्लेनेशन जो पीटी आपसे डिमांड करता है तो इसलिए ये फेल उसी केस में होगा अगर आपने इसको गलत तरीके से अप्लाई किया आपने बीच में पॉजिज लिये हैं या आपके पिच का कोई इशू है अदरवाइज ये फेल नहीं होगा रियल एग्जाम के अंदर सो दीज आर द टू टैम्पर्ट दैट आई रिकमेंड फॉर डिस्क्राइब इमेज वन इज दिस दैट वी कैन यूज टू डिस्क्राइब एनी पिक्चर किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपका टारगेट 60 तक का है आप कंफर्टेबली स्टैम्पलेट को यूज कर सकते हो और ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्राइब इमेज नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिटेल लेक्चर मैं रिटेल लेक्चर का टैम्पलेट भी आपको दिखाता हूं दिस इज द टैम्पलेट दैट वी कैन यूज फॉर रिटेल लेक्चर यहां पर फ्रेजेज हमें लिखने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमें की यूज नहीं करने हमें यहाँ पे फ्रेजेज पुट डाउन करने हैं मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो रिटेल लेक्चर है फॉर एग्जाम्पल किसी का स्टूडेंट का अगर टारगेट सिक्सटी फाइव का है और अगर उसके सिक्सटी थ्री मार्क्स आए लिस्निंग के अंदर यह टू पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ये रिटेल लेक्चर की वजह से क्रिएट हो सकता है इजिली सेम किसी का टारगेट सेवेंटी था उसके सेवेंटी मार्क्स बने अगर आपने यूज की यूज कॉन्टेंट सफिशेंट नहीं है आप रिटेल लेक्चर के अंदर मतलब लिसनिंग के अंदर मार्क्स लूज करोगे बेसिकली स्पीकिंग पे इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा अब आप देखोगे कि स्पीकिंग यहाँ पे रिटेल लेक्चर के अंदर हमने ये रिपीटन वाला टेम्पलेट यूज कर रखा है फ्रॉम द लेक्चर फ्रॉम द लेक्चर फ्रॉम द लेक्चर राइट देखो रिटेल लेक्चर के अंदर इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है जो मेन प्रॉब्लम होती है आपके डिस्क्राइब इमेज के अंदर होती है बिकॉज उसकी वेटेज काफी ज्यादा है इससे डबल या ट्रिपल वेटेज होती है 15, 20 पॉइंट्स वो ऐड करता है आपके स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर और जब आप अपनी एक्सटेंडेड स्पीकिंग चेक करते हो किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है उसके स्पीकिंग के अंदर लो मार्क्स आते हैं तो वो जो टैम्पलेट फेल होता है वो आपका डिस्क्राइब इमेज का टैम्पलेट फेल होता है ना कि रिचार लेक्चर का और दूसरा हमने इसको सिक्योर किया हुआ है बिकॉज हम फ्रेजेज यूज कर रहे हैं हम की यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मेरा सजेशन है जिन भी स्टूडेंट्स का टारगेट हाई है सिक्सटी फाइव सेवेंटी नाइन आप फ्रेजेज यूज करो फ्रेजेस कैन बी ऑफ टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स फोर वर्ड्स मैं एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा अगर लेट से किसी का टारगेट कम है सिक्सटी का है या सिक्सटी से कम का है फिफ्टी का है तब भी मेरा सजेशन क्या है कि आप डायरेक्टली की वर्ड यूज मत करो आप एक जगह पे फ्रेज यूज कर लो मतलब टू वर्ड्स का फ्रेज एक जगह पे सिंगल वर्ड ऐसे मिक्सचर यूज uh, कर लो सिंपल की वर्ड मत यूज करो उससे आपका लिसनिंग का स्कोर नीचे जाता है यहां पे लास्ट में फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर फ्रेज नंबर इलेवन यहां पे ट्वेल्व आएगा फ्रेज नंबर ट्वेल्व एंड इन कंक्लूजन द लेक्चर इज वेरी इन्फॉर्मेटिव सो ये स्ट्रक्चर ये वाला टाइमपेट हम रियल एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हैं एक बार इसके ऊपर बेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कोई भी लेक्चर ओपन कर लेते हैं अब जो रियल एग्जाम के अंदर नोट्स कैसे बनाओगे आप लोग देखो वहां पे आपके पास नोटपैड होगी पेन पेपर होगा मेरा सजेशन क्या है जैसे ये फॉर एग्जाम्पल नोट पैड है मैं रियल एग्जाम में क्या करता हूँ सेंटर में मैं सबसे पहले टाइटल लिखता हूँ फिर एक फ्रेज यहाँ पे बीच में एक एंड सिंबल बनाया एक फ्रेज यहाँ पे इससे मदद मिल जाती है दो अलग अलग फ्रेजेस को सेपरेट करने में तो इस तरह से मैं पूरे फ्रेजेस लिखता हूँ राइट और ये बिल्कुल टैंपलेट के अंदर ऐसे फिट हो जाता है ये पार्टीशन बन जाता है सेम टैंपलेट के अंदर भी है फ्रॉम द लेक्चर आई कैन यर फ्रेज वन फ्रेज टू ये बीच में एंड है So, it helps in bas. Now, I will write notes on the screen. I will be using uh, my keyboard. So, there may be typing errors. Let's start. I'm going to explore the enduring influence of Greek mythology in modern culture. These ancient myths, more than just old tales, continue to shape our art, literature, and even our understanding of the world. Greek mythology, a rich tapestry of gods, heroes, and monsters, has been a source of inspiration for centuries. Its themes of heroism, adventure, and the human condition resonate deeply, influencing countless works of literature and art. For example, the epic tales of Hercules and Odysseus have been retold in numerous forms, from classical paintings to modern movies. Moreover, Greek mythology extends its influence beyond the arts. It has shaped modern language, with many English words and expressions originating from these ancient stories. Additionally, these myths have provided a framework for understanding human psychology, notably through the work of Freud and Jung, who often used mythological figures to explain complex psychological concepts. In conclusion, the impact of Greek. Okay, this much is sufficient. ये जितने भी हमने की नोट डाउन किए हैं मोर देन एनफ है मिनट सेकंड का ये ऑडियो था मोस्ट लाइकली जो ऑडियो आपके पास रियल एग्जाम में आते हैं वो भी इतने ही होते हैं वन मिनट के आसपास के होते हैं तो ये सारे keywords, की ये फ्रेजेज मैंने नोट डाउन किए हैं बेसिकली इनको बस हमें रियल एग्जाम के अंदर टैम्पलेट के अंदर फिट करना है दिस इज आर टैम्पलेट इसके अंदर मैं एक बार आपको फिट करके दिखाता हूं सो आईल जस्ट हिट द स्टार्ट बटन The lecture gives information about Greek mythology. It is a very informative lecture. From the lecture, I can hear ancient myths and old tales. From the lecture, I can hear shape our art and our understanding of the world. From the lecture, I can hear inspiration for centuries and resonate deeply. From the lecture, I can hear epic tales of Hercules and numerous forms. From the lecture, I can hear influence beyond art and many English words. From the lecture, I can hear from ancient stories and framework of human psychology. Overall, the lecture is very informative. Stop. जैसे ही आंसर फिनिश होता है स्टॉप बटन पे क्लिक करो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करो द लेक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लेक्चर फ्रॉम द लेक्चर आई कैन ईयर शेप आर आर्ट एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द लेक्चर आई कैन हियर इंस्पिरेशन फॉर सेंचुरीज एंड रेजोनेट डीपली फ्रॉम द लेक्न एपिक टेल्स ऑफ हर्क्यूज द लेक्चर डन परफेक्ट मार्क्स इन कॉन्टेंट प्रोनाउंसिएशन में सेवेंटी थ्री फ्लुएंसी में एटी एट ओवरऑल एटी थ्री मार्क्स बने ठीक है सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू यूज दिस रिटेल लेक्चर टैम्पलेट ऑफकोर्स रियल एग्जाम के अंदर ये सब नाइनटी नाइनटी होगा ये एप्लीकेशन कभी आपको फुल मार्क्स नहीं देती कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा कट डाउन कर लेती है सो रिटेल लेक्चर का टैंपलेट आप इस तरह से अप्लाई करोगे वेरी सिंपल टैंपलेट इट विल वर्क इन रियल एग्जाम फ्रेजेज हमें यूज करना है इसका ध्यान रखना दिस इज आर टैम्पलेट फॉर समर राइज रिटर्न टेक्स्ट ये एक छोटा सा टैम्पलेट है कुछ चीजें यहाँ पे नीचे मैंशन है कि हमें फाइव टू सेवेंटी फाइव वर्ड यूज करने है बेस्ट है अगर आप फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड लिखते हो फुल स्टॉप हमें सिर्फ लास्ट में लगाना है बेसिकली होता है कि आपके पास एक पैसेज आता है उस पैसेज को हमें समराइज करना होता है एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आपके पास टेन मिनट्स होते हैं उस पैसेज को समराइज करने के लिए मैं एक बार क्वेश्चन ओपन करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई भी क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं देखो ये क्वेश्चन है तो जैसे ही आप रियल एग्जाम के अंदर जाओगे समराइज रिटर्न टेक्स्ट आपके पास आएगा यहां पे टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका होगा यहां पे बॉक्स के अंदर आपको लिखना है नीचे वो वर्ड काउंट आपको शो होता रहेगा ना सिंपल स्ट्रक्चर है हमें क्या करना है मैं एक बार दोबारा टैंपलेट शो करता हूं सेंटेंस नंबर वन हमें लिखना है सबसे पहले उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे फिर सेंटेंस नंबर टू आएगा फिर से कॉमा देन विच मीन्स दैट और उसके बाद सेंटेंस नंबर थ्री अगर सेंटेंस नंबर थ्री लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम लिखेंगे अगर वर्ड्स अगर हमारे दो सेंटेंस में ही हो जाते हैं तो मोर देन देनफ है सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस नंबर तो सेंटेंस वन आप कहीं से भी पिक कर सकते हो कोई मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट सेंटेंस आपको पिक करना है आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेकेंड सेंटेंस भी पिक कर सकते हो फिलहाल के लिए मैं कॉपी कर रहा हूं रियल एग्जाम के अंदर यह कॉपी पेस्ट वाला बटन काम नहीं करता आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा तो ये सेंटेंस वन हमने लिखा देन अ कॉमा स्पेस आप एंड लिखोगे और एंड के बाद एक और सेंटेंस आपको लिखना है say, यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक और सेंटेंस तो ये मैंने पेस्ट किया फिलहाल और इसका जो W है वो मुझे स्मॉल करना पड़ेगा बिकॉज रियल एग्जाम के अंदर W मैं यहां पे कैपिटल नहीं लिख सकता तो स्मॉल में मैंने W लिखा और यहां पे हमारे 42 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं मैक्सिमम हम 75 तक लिख सकते हैं अगर आपको यहां तक ही सबमिट करना है आप 42 वर्ड्स पे ना बताया ना 40-45, टू 40 50 वर्ड्स पे सबमिट आप कर सकते हो अगर आपको यहां सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हो क्लिक ऑन सबमिट एंड रिजल्ट परफेक्ट सेवन आउट ऑफ सेवन कंटेंट में फुल मिलेगा फॉर्म में फुल मिलेगा फॉर्म इज रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स बेसिकली यहां पे आप क्लिक करोगे बता भी देगा आपको कि फाइव से कम नहीं होने चाहिए सेवनटी फाइव से ज्यादा नहीं होने चाहिए तो आपको फॉर्म में फुल मार्क्स मिलेंगे ग्रामेटिकल एरर कोई नहीं है क्योंकि हमने दो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है वो कैबलरी में फुल मार्क्स हैं कॉन्टेंट में फुल हैं अगर आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करना था अगर आपको थोड़ा और ज्यादा लिखना था फॉर एग्जाम्पल जैसे दो लाइन्स तो हमने लिख ली हमें विच मीन्स दैट इसका भी यूज अगर हमें करना है जो लास्ट वाली लाइन है सेंटेंस नंबर थ्री लिखने के लिए तो हम वो भी कर सकते हैं विच मीन्स दैट एक लाइन हम यहां पे पुट करेंगे विच मीन्स दैट इट ऑल्सो प्रमोट्स ये लाइन पिक कर लेते हैं इट का जो आय है वो हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा ये मैंने स्मॉल कर दिया विच मीन्स दैट के बाद कोई कॉमा नहीं आएगा मेकश्योर sure करना और लास्ट में बैकग्राउंड के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया फिफ्टी एट वर्ड्स हो गए इसको सबमिट करते हैं एंड क्लिक ऑन रिजल्ट डन परफेक्ट सेवन आउट ऑफ सेवन अगेन 75 वर्ड्स के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते ये सिंपल सी डिटेल है इस टैंपलेट की इसको आपको याद करना है सेंटेंस वन कॉमा एंड सेंटेंस टू कॉमा विच मीन्स दैट फिर सेंटेंस नंबर थ्री और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा so this was all about summarize written text now the next question is write an essay main sabse pehle aapko essay ka template dikhata hu this is our template for essay writing iska jo pdf ya fir ek image form hai main नीचे comment box के अंदर attach भी कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से इसको read कर पाओ this is the template जो मैंने real exam में use किया था जो अभी लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने रियल एग्जाम दिया था फुल 90 आउट ऑफ नाइन्टी स्कोर मिले थे राइटिंग uh, मोड्यूल के अंदर उसका वीडियो मैंने भी अपलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हो अब इसको यूज कैसे करना है बहुत सारे टैंपलेट आज के टाइम पे फेल हो रहे हैं तो फेल होने का रीजन क्या है बेसिकली देखो जब भी एग्जांपल uh, कोई भी ऐसे लेट्स से ये एक ऐसे है यहां पे अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने एस सबमिट कर रखे होंगे जैसे ये किसी स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो कॉन्टेंट वाला पोर्शन होता है ना ये सेवन तरीकों से मार्किंग होती है कॉन्टेंट फॉर्म ग्रामर स्पेलिंग वोकैबलरी रेंज जनरल लिंग्विस्टिक रेंज डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कॉरस राइट अगर आपका कॉन्टेंट जीरो हो जाता है बाई चांस सिस्टम को लगता है कि आपने रेलिवेंट कॉन्टेंट नहीं लिख रखा यहां पे अगर वो जीरो मार्क्स आपको देता है इसके बाद फर्दर कोई भी चेकिंग नहीं होती है ना आपको फॉर्म के मार्क्स मिलेंगे ना ग्रामर के स्पेलिंग के सब कुछ जीरो हो जाता है तो कंटेंट के अंदर मार्क्स लेना जरूरी है स्टूडेंट गलती क्या करते हैं मैं वो बताता हूं फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है अब देखो टैंपलेट के अंदर हमें टॉपिक सेंटेंस फिट करना होता है लेकिन वो एक फंडामेंटल चीज भूल जाते हैं मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई थी कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है ना जैसे इस केस में टॉपिक सेंटेंस ये है द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू फास्ट पेस्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ के जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ये फास्ट पेस्ड है मेंटल हेल्थ के लिए अब ये जो कॉन्टेंट है ये सफिशेंट नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नीचे लिखा भी होगा देखो जैसे इन्होंने द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू गुड ये टॉपिक सेंटेंस जो भी ऐसे इन्होंने फॉलो किया है ये लिख रखा है ये कॉन्टेंट इनफ नहीं है आपका टैम्पलेट फेल हो सकता है मैंने टैम्पलेट के अंदर स्पेसिफिकली अभी मैंशन भी कर दिया कि एटलीस्ट टॉपिक सेंटेंस के अंदर 15 प्लस वर्ड्स आप लिखोगे जैसे टॉपिक सेंटेंस यहां पे आपको फिट करना है 15 प्लस वर्ड्स आप लिखोगे मैं एक बार आपको ये टेंपलेट अप्लाई करके दिखाता हूं इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे मैंने टेंपलेट पेस्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए ये सारा आप लोग लर्न करोगे अच्छे से आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता वहां पे तो ये जो टॉपिक सेंटेंस है यहां पे हमें टॉपिक सेंटेंस फिट करना है और वो यहां से पिक करके हम फिट करते हैं टॉपिक सेंटेंस में हम क्या लिखते हैं द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू फास्ट पेस्ड मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूं वेयर द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू फास्ट पेस्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ अब देखो यहां पे की वर्ड्स हैं कितने थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सिर्फ टेन कीवर्ड्स है तो क्या है कॉन्टेंट सफिशेंट है नहीं इसके अंदर हमें और एक्स्ट्रा कॉन्टेंट ऐड करना चाहिए मैंने आपको मैंशन किया कि फिफ्टीन प्लस वर्ड्स कम से कम आप लिखो टॉपिक सेंटेंस के अंदर आपका टैम्परेट नहीं तो फेल हो सकता है अब अगर वर्ड्स हमारे पास नहीं है तो मैंने आपको बताया हुआ अगर लेट्स से ये 15 वर्ड का होता तो हम सिर्फ यहां पे वो 15 वर्ड्स की लाइन लिख देते उसके बाद यहां पे मेन कीवर्ड कोई भी एक कीवर्ड पिक करके फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न लाइफ हो गया यहां पे हम लिख देते मॉडर्न लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल एस टी वाई अली स्टाइल प्लेज प्ले हट जाता क्योंकि सिंगुलर है प्लेज एन ऑथोरिटेटिव रोल और पूरा वो सेंटेंस फिनिश कर देते लेकिन कीवर्ड्स कम है तो इस केस में ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो नहीं करना इस केस में हमें टॉपिक सेंटेंस को एटलीस्ट फिफ्टीन वर्ड्स का बनाना बनाना है तो हम क्या करेंगे मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू फास्ट पेस्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ यहां पे हम इस वाली टैंपलेट की लाइन को हम हटा सकते हैं रिमूव कर सकते हैं ये लाइन को पूरी तरह और यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं ये एंड के बाद ये जो अभी गैप है यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे टॉपिक से मिलती हुई टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल द मॉडर्न लाइफ स्टाइल इज टू फास्ट पेस्ड फॉर गुड मेंटल हेल्थ के मॉडर्न लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हेल्थ के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पीड में जा रही है तो एक टॉपिक सेंटेंस हमें एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा ताकि वो एटलीस्ट फिफ्टीन वर्ड्स का हो जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं हम रिलेटेड टू दिस टॉपिक जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर है मेंटल हेल्थ की जगह पे हम मेंटल वेलबींग well लिख सकते हैं ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं

वेरी इम्पॉर्टेंट इन टूडेज मॉडर्न को मैंने टूडेज बना दिया टूडेज वर्ल्ड के मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है या मेंटल वेलबींग well जो है वो बहुत जरूरी है आज के वर्ल्ड में तो ये जो हमारे की वर्ड हैं ये इंक्रीज हो गए फिफ्टीन प्लस हो गए अब हम थोड़ा सा सेफ है तो ये जो टॉपिक सेंटेंस हमने एड किया मेक श्योर sure करना ये फिफ्टीन वर्ड्स का कम से कम हो नहीं तो टैंपलेट आपका फेल भी हो सकता है तो अगर वो 15 वर्ड से कम का है तो हमें खुद से लाइंस लिखनी पड़ेंगी आप या तो इसी को पैराफ्रेज कर सकते हो उसके सिनोनिम्स यूज कर लो मेंटल हेल्थ का जैसे मैंने वेलबींग यूज किया मेंटल वेलबींग फास्ट पेस्ड का स्पीड आप यूज कर सकते थे मॉडर्न लाइफ स्टाइल वर्ल्ड मैंने यूज कर लिया मॉडर्न की जगह पे तो सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो सेम यही चीज आप सेकेंड पैराग्राफ में भी करोगे यहाँ पे हमें टॉपिक सेंटेंस लिखना था ये पूरे का पूरा मैं कॉपी कर रहा हूँ जो हमने नया सेंटेंस बनाया

ये लाइंस हमने यहां पे अटैच की राइट right? तो ये फिफ्टीन वर्ड्स प्लस की लाइंस हमने लिख दी हैं अभी भी यहां पे कुछ और चीजें पेंडिंग है जैसे पैराग्राफ नंबर थर्ड के अंदर यहां पे हमें फ्रेज या मेन कीवर्ड ऐड करना था तो हम कोई भी एक फ्रेज यहां पर ऐड कर सकते हैं जैसे अपेर दैट मॉडर्न लाइफ हो गया ये एक छोटा सा फ्रेज या कीवर्ड की तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं या फिर गुड मेंटल हेल्थ हो गया ये तीन वर्ड हम पेरेंट दैट गुड मेंटल हेल्थ हमने एड किया इज पैराउंट फॉर फ्यूचर जनरेश इस तरह से चार जगह पे हमें टॉपिक सेंटेंस एड करना है और उसकी जो लेंथ हो गई प्लस की होनी चाहिए और बाकी जगह पे पैराग्राफ नंबर थर्ड के अंदर हमें जो की वर्ड एड करना था मेक श्योर sure करना कि उसमें वो फ्रेज जो टॉपिक गिवन है उसके अंदर से पिक कर दो अब इसको हम सबमिट करते हैं टू फिफ्टी वर्ड के अराउंड हो गया बहुत सारे स्टूडेंट्स जब मैं पूछता हूं तो वो बोलते हैं सर हाँ हम तो टू थर्टी टू फिफ्टी लिखा है, है।, है, है एक्चुअल में जो रेलिवेंट कॉन्टेंट आप लिख रहे हो बीच में तो सारा टैंपलेट ही है उस टैंपलेट के मार्क्स थोड़े ना है वो सिर्फ फिलर की तरह कंप्लीट करने के लिए 200 वर्ड आपको मिनिमम लिखने होते हैं तो 200 वर्ड्स फिनिश करने के लिए एक्चुअल में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो इस लाइन की वजह से मिलेंगे कंटेंट के अंदर और कंटेंट में मार्क्स मिलना बहुत जरूरी है इसको हम करेंगे सबमिट फुल 15 आउट ऑफ 15 कोई भी गलती नहीं थी ग्रामर मिस्टेक कोई नहीं थी कंटेंट में फुल मार्क्स मिले हैं फॉर्म के अंदर फुल मार्क्स मिले हैं बहुत बार आप लोग क्या गलती करते हो आप छोटा सा कीवर्ड लिख ये फ्रेज लिख लेते हो मान लो यहां तक आपने लिख दिया और जब आप इन एप्लीकेशन पे चेक कराते हो ये आपको ये आपने लाइन लिखी नहीं लास्ट वाली इन एप्लीकेशन पे जब आप चेक कराते हो ये आपको आउट ऑफ भी दे देता है हमें यहां पे मार्क्स नहीं लेने हमें रियल एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो रियल एग्जाम के अंदर चीजें कैसे वर्क करती है मैं वो बता रहा हूं आपको 15 वर्ड से ज्यादा का ज्यादा टॉपिक लिखना ही लिखना है ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो टॉपिक सेंटेंस जो होगा जो की वर्ड है अगर वो 15 वर्ड से कम होंगे रेलिवेंट की आपका ऐसे हो सकता है सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कवर दिस ऐसे हमारे पास टैंपलेट आता है वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट का मैं एक बार आपको टैंपलेट शो करता हूं दिस इज आर टैम्पलेट फॉर समराइज स्पोकन टेक्स्ट द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट डैश देन द स्पीकर टॉक्ड अबाउट डैश एंड डैश फर्दर मोर दी ऑल ऑडी ऑल्सो डिस्क्राइब डैश फिर यहाँ पे डबल है यहां पर फिर से सिंगल है तो आप अगर ये नोटिस करोगे पैटर्न यहाँ पे सिर्फ एक डैश है यहाँ पे फिर एक यहां पर है एक यहां पर है फिर से एक है और ये फिर यहाँ पे और यहाँ पे तो हर एक लाइन में हमने ऑल्टरनेट फॉलो किया है तो ये एप्लीकेशन भी इसको रजिस्ट नहीं करती रियल एग्जाम में भी ये वर्क करता है इनफैक्ट रियल एग्जाम के अंदर तो अगर आप हर एक लाइन में डबल डबल की वर्ड भी लिख के आओगे जैसे फर्स्ट लाइन के अंदर अगर आप इस फर्स्ट कीवर्ड के बाद एंड लगा के एक और यहाँ पे लिख देते हो कीवर्ड लिख देते हो तब भी रियल एग्जाम में मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन बहुत बार आपको ना इन एप्लीकेशन पे जो भी एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रियल में भी नहीं मिलेंगे तो ये टैंपलेट अगर आप इन एप्लीकेशन पे भी लगाओगे यहाँ पे भी मार्क्स मिलेंगे रियल के अंदर भी मार्क्स मिलेंगे मैं एक बार एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ यहां पे आई जस्ट क्लिक ऑन समराइज स्पोकन टेक्स्ट कोई भी टैंपलेट uh, कोई भी क्वेश्चन मैं ओपन कर लेता हूं हमें यहाँ पे पिक क्या करना है आप देखो हमें नाउन पिक करने हैं अगर कोई भी एरर आपको नहीं चाहिए अच्छा बहुत सारे टैंपलेट ऐसे वाले भी अवेलेबल हैं जिसमें ये वाले कॉमर्स लगते हैं ठीक है दे आर ओके आई मैन इफ योर टारगेट इज 60 अगर 60 तक का टारगेट है तो ठीक है अप्लाई कर लो आप एक आध मार्क्स आपका लूज हो सकता है बट सिक्सटी वाले स्टूडेंट को इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लेकिन अगर आपका हायर टारगेट है 65 प्लस या 79 प्लस आपका टारगेट है तो मेरा सजेशन है कि ये वाला टैम्बलेट मत फॉलो करना ठीक है उतना ऑथेंटिकेटेड टैम्बलेट नहीं है कोई लाइंस नहीं बन रही हैं इसके अंदर प्रॉपर तो प्रॉपर लाइन की फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते 65, 79 या 90 के लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है ना मैं एक बार आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं हम की के अंदर नाउन पिक करेंगे और नाउन के आगे आप चाहो एक एडजेक्टिव भी पुट कर सकते हो नाउन के आगे एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्या होता है जैसे मान लो एक नाउन है इंटेलिजेंस राइट right. तो वो इंटेलिजेंस कैसी है गुड इंटेलिजेंस बैड इंटेलिजेंस तो एक गुड वर्ड में इसके आगे फिट कर सकता हूं इंटेलिजेंस के आगे तो ये एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन के आगे फिट हो जाता है So, we will pick the adjective and noun. I will just click on redo. Welcome. I will Welcome. Evron. Our topic today is the profound consequences of climate change on our oceans and the urgent need for action. Our oceans are in crisis. Rising global temperatures have led to sea level rise and ocean acidification, endangering marine ecosystems and coastal communities. Moreover, climate change disrupts ocean currents and weather patterns, resulting in more frequent and severe storms, affecting millions of people living along coastlines. Furthermore, the warming oceans contribute to the loss of coral reefs, threatening marine biodiversity and fisheries that millions depend on for food and livelihoods. In conclusion, addressing climate change is not just an environmental issue, but a matter of global urgency. We must take immediate action to mitigate its impact on our oceans, preserving these vital ecosystems and protecting the well-being of countless communities around the world. Done. So we have keywords. कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज एक्शन ग्लोबल टेम्परेचर सबसे पहले जो डबल की वर्ड है जैसे ग्लोबल टेम्परेचर हो गया मरीन इको सिस्टम कोस्टल कम्युनिटीज पहले इनका यूज करेंगे हम लोग मैं फर्स्ट लाइन टैंपलेट के लिखता हूं सबसे पहले टैम्पलेट इज दिस द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट ये फर्स्ट लाइन है द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट तो यह लाइन सबसे पहले लिखते हैं द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट यहां पे हमें एक फ्रेज पुट करना है या फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन तो पहले डबल वाले पिक करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर्स द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट आर ग्लोबल टेम्परेचर्स देन द स्पीकर टॉकड अबाउट देयर मरीन जूम आउट इको सिस्टम्स एंड यहां पे हमें दो फ्रेजेस पुट करने हैं मरीन इकोसिस्टम्स एंड कोस्टल कम्युनिटीज फुल स्टॉप देन नेक्स्ट लाइन है टैम्पलेट की फर्दर मोर द ऑडियो आल्सो डिस्क्राइब्ड देयर डैश फर्दर मोर द ऑडियो आल्सो

The lecturer also mentioned such words as their dash and dash, as their long coastlines and warming oceans, as their long coastlines and warming oceans. Full stop. Next line. Hai. In addition to this, the narrator also spoke about their dash. In addition to this, the narrator also spoke about their dash and dash, their coral reefs and environmental issues. कोरल coral, अब कोरल coral एक प्रॉपर नाउन है सी हो सकता है कैपिटल हमें यूज करना पड़े मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं हमें कन्फ्यूजन है कि सी कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा तो हम रिस्क क्यों ले हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड और अवेलेबल है सो द नरेटर ऑल्सो स्पोक अबाउट देअर एनवायरमेंटल इशूज एंड ग्लोबल एर्जेंसी फुल स्टॉप द लेक्चर ऑल्सो मेन्शंड उसके बाद लास्ट लाइन हमारी बचती है आई थिंक मैंने डबल की वर्ड यहाँ पे यूज कर लिये यहां पर एक ही की वर्ड आएगा इशूज तक ही आए डबल की वर्ड हम लास्ट में यूज करेंगे फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देयर तो लास्ट में है फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट्स अबाउट देअर यहां पर फिर से दो की वर्ड्स ग्लोबल अर्जेंसी एंड काउंटलेस कॉम्युनिटीज ग्लोबल अर्जेंसी एंड काउंटलेस कॉम्युनिटीज फुल स्टॉप तो ये हमने पूरे का पूरा एक समराइज स्पोकन टेक्स का पैसेज हमने यहाँ पे लिख दिया है द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट आयर ग्लोबल टेम्परेचर देन द स्पीकर टॉक अबाउट देयर मरीन इकोसिस्टम एंड कोस्टल कॉम्युनिटीज Furthermore, the audio also described their severe storms. तो एक की हमने यूज किया ये मैं हटा देता हूं यहां से Then the speaker talked about their marine ecosystem. तो यहां पे डबल की वर्ड्स है यहां पर सिंगल है फिर से सिंगल है फिर से डबल है तो ये ऑल्टरनेटिव में हमने यूज किया है इसको टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हो वो 70 वर्ड्स हैं। फिफ्टी वर्ड्स से कम लिखोगे तो पेनल्टी लगेगी सेवेंटी से ज्यादा लिखे तब भी पेनल्टी है ऊपर इन्होंने मेंशन भी किया होता है यहाँ पे देखो फिफ्टी टू सेवेंटी वर्ड्स आप लिख सकते हो टॉप राइट में यहाँ पे मैं टेन मिनट्स आपको मिलेंगे थ्री मिनट्स हमारे पास अभी भी हैं लिखने को तो टैंपलेट अच्छे से लर्न होना चाहिए आपको और इस तरह से आपको फिट करना है एक बार मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूं जस्ट मेक श्योर इसके अंदर कोई भी एरर ना हो ओके okay, एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी फाइनली के बाद कॉमा आना था जल्दबाजी में ये हमने ध्यान नहीं दिया टैम्पलेट के अंदर देखो यहां पे कॉमा मैंशन है ये वाला कॉमा हमने यहां पे नहीं लिखा तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे मैं एक बार इसको दोबारा कॉपी करता हूं एंड क्लिक ऑन रीडू पेस्ट सबमिट दोबारा कॉमा नहीं लगाया वेलकम एवराउंड ओके फाइनली के बाद यहां पे कॉमा एंड देन सबमिट ठीक है परफेक्ट टेन आउट ऑफ टेन तो इस तरह से टेन आउट ऑफ टेन मार्क्स आते हैं वो रेंज परफेक्ट स्पेलिंग ग्रामर फॉर्म कॉन्टेंट सब कुछ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हुए हैं अब देखो कई बार क्या होगा कि हो सकता है आप इतने की वर्ड्स ना पिक कर पाओ तो उस केस में रिपीट करना की वर्ड्स को ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पे दोबारा यूज कर लेना मरीन इकोसिस्टम यहाँ पे लिख देना दोबारा से तो कीवर्ड्स को आप रिपीट कर सकते हो एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर बार नए की वर्ड्स यूज करने हैं अगर कम है लेक्चर शॉर्ट है आप पिक नहीं कर पाए तो रिपीट कर दो आगे अगर एडजेक्टिव पिक नहीं कर पाए तो किसी दूसरे का एडजेक्टिव आप पिक करके लगा सकते हो जैसे सीवियर यहां पे था सीवियर टेम्परेचर यहाँ पे लिख सकते हो मान लो ग्लोबल आपने पिक नहीं कर पाए तो सीवियर टेम्परेचर लिख सकते हो तो ऐसे मिक्सिंग कर सकते हो वहां पे थर्ड पॉइंट काफी बार हो सकता है आपको प्लुरल बनाना पड़े वर्ड्स को मैंने टेम्पलेट के अंदर भी मेंशन किया हुआ स्पेसिफिक देखो यहाँ पे तो उन्होंने बाय चांस सारे ही प्लूरल बोल रखे थे टेम्परेचर्स है इको प्लूरल बोला कॉम्युनिटीज प्लूरल है स्टोम्स प्लूरल है यहाँ पे फिर से कॉम्युनिटीज प्लूरल था ओशंस बाई चांस इन्होंने सारे प्लूरल यहाँ पे मैंशन कर दिए लेकिन मैंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है टैम्पेट के अंदर कि अगर वो सिंगुलर मेंशन करते हैं तो नाउन को आप प्लूरल बना सकते हो अगर वो काउंटेबल नाउन है काउंटेबल नाउन का मतलब है जिन चीजों को आप गिन सकते हो जैसे ओशियन बोला उन्होंने अब ओशियन को आप गिन सकते हो कितनी ओशियन है उसका प्लूरल भी होता है ओशियंस तो आप ओशियंस ही लिख दो एरर अवॉइड करने के लिए उससे कोई मार्क्स कट नहीं होगा रियल एग्जाम में आपने कुछ नहीं किया आपने सिर्फ पैराफ्रेज किया है वर्ड आपने वही रखा है सिर्फ एस ई एस एक्स्ट्रा लगाया आपने उसके पीछे सेम ऐसे ही अगर लेट्स से वर्ड है कम्युनिटी आपको सुनाई दिया आप कम्युनिटीज पीछे टी आई एस लगा सकते हो उसको प्लूरल कर सकते हो कोई भी एरर इस तरह से नहीं आएगा आपका रियल एग्जाम के अंदर बहुत बार जो देयर वर्ड होता है देयर वर्ड के बाद हमें बहुत बार वो डिमांड कर लेता है कि आपको प्लूरल नाउन लगाना चाहिए था तो हम अगर पहले से ही उसको प्लूरल कर देंगे जो चीज प्लूरल हो रही है तो उसके बाद ये एरर भी नहीं आएगा कुछ वर्ड्स प्लूरल नहीं हो सकते जैसे इंटेलिजेंस intelligence है इंटेलिजेंसीज नहीं होता ठीक है एजेंसी का एजेंसीज होता है इंटेलिजेंस का प्लूरल नहीं होता क्योंकि इंटेलिजेंस को आप गिन नहीं सकते तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है काउंटेबल नाउन जिनको आप गिन सकते हो इंटेलिजेंस गिन नहीं सकते ना कि कौन कितना समझदार है वो चार समझदार है पांच वो उस तरह से गिन नहीं सकते आप मेजर कर सकते हो काउंट नहीं कर सकते तो काउंटेबल नाउन्स को आपको प्लूरल करना है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द फाइव टैंपलेट्स मैंने पांचों टैम्पलेट्स इस वीडियो के अंदर कंपाइल किए हैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो कोई भी डाउट है अगर आपको किसी भी टैंपलेट से रिलेटेड आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अगर आपको क्लासेस अवेल करनी है नीचे नंबर्स गिवन है आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल देट गाइज थैंक यू सो मच आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो